जैसा कि आपने थंबनेल देखा और आप सामने इस टेबल पे भी देख सकते हो, मेरे हाथ में यहाँ पे दो दो आईफोन्स हैं। एक है आपका आईफोन का 6X जो कि यहाँ पे इस तरह से लॉक है, और ये रहा आपका आईफोन 11 जो कि यहाँ पे ये इस तरह से लॉक है। जहाँ पे आप देखोगे तो ना ही आपका ये आईफोन यहाँ पे ओपन हो रहा है और ना ही आपका ये आईफोन यहाँ पे ओपन हो रहा है। यानी कि आपके पास यदि कोई भी आईफोन है और आप उसके पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं विदाउट एनी डेटा लॉस, एंड आप यदि ये चाहते हो कि आपका जो है वो फ़ोन अनलॉक हो जाए, आपका कोई भी आईफोन विदाउट डेटा लॉस यदि अनलॉक हो जाए, तो वो भी आपके आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, वो भी फुल डिटेल के साथ कि आप किस तरह से घर बैठे अपने किसी भी आईफोन को आप कैसे घर बैठे अनलॉक करोगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनटों के एक स्टेप से। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं, और इस वीडियो का जो स्पॉन्सर हमारा है वो है आईफोन अनलॉकर जो कि आता है मैक फोन की तरफ से। उसका आपको प्रोडक्ट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। जहां तक बात है इसके डिटेल की, तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहां पे शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप इसे कैसे अनलॉक करो। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो, इस कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको जो वेबसाइट दिख रहा है वो है मैक फोन का, ठीक है। और यहां पे ये साफ लिख रहा है कि ये आईफोन अनलॉकर का जो यहां पे आपको यहां पे एप्लीकेशन है वो आप देख सकते हो। यहां पे कुछ पॉइंट्स आपके हाईलाइटेड हैं, जैसे कि आप अनलॉक आईफोन, आईपैड, आईपॉड टच विदाउट पासवर्ड एंड टर्न ऑफ स्क्रीन टाइम विदाउट पासवर्ड ऑन आईफोन, आईपैड। इसके बाद आपको रिमूव एप्पल आईडी भी आप कर सकते हो आईफोन से एंड विदाउट पासवर्ड, बाईपास कर सकते हो इसके एमडीएम मैनेजमेंट को किसी भी आईफोन से, आईपैड से इंस्टेंटली। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ये जो आपका एप्लीकेशन है ये विंडोज और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप इसे देख करके डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप इसे बाय नाउ करने से पहले आप फ्री ट्रायल पे यहाँ पे क्लिक, जैसे ही आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने करके रखा है, और मैंने यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन भी कर लिया है। अब यहाँ पे सिंपली आपको कौन कौन से स्टेप लेने वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए, जैसे कि रिमूव लॉक स्क्रीन टू सॉल्व द फॉलोइंग स्क्रीन लॉकिंग इशू, फॉरगेट द पासकोड, डिवाइस इज लॉक्ड एंड अनेबल टू यूज। तो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, जैसे कि यूजिंग मैक फोन आईफोन अनलॉकर टू रिमूव लॉक स्क्रीन, पासकोड विल इरेज ऑल द डेटा ऑन योर डिवाइस एंड iOS विल बी अपडेटेड टू द लेटेस्ट वर्जन। एंड जो आपका तीसरा है वो है प्लीज मेक श्योर द डिवाइस हैज इनफ पावर। एंड इसके बाद सिंपली आप यहां स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हो। अब यहां पे आपको आईफोन पे कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, कौन सा आपको आईफोन है वो आपको यहां पे मालूम चलेगा तब जब आप यहीं पे अपने फोन को अपने डेटा केबल से आप यदि यहां पे कनेक्ट करोगे। तो चलिए अब इस हैंडसेट को, आईफोन को हम डेटा केबल से यहां पे कनेक्ट करते हैं। तो अब जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास जो आईफोन है उससे मैं यहां पे इस डेटा केबल के साथ यहां पे कनेक्ट कर दूंगा। एंड उसके बाद ये जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं यहां पे आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, अनलॉक iOS स्क्रीन, अनलॉक स्क्रीन टाइम पासकोड, रिमूव MDM, यहाँ पे अनलॉक एप्पल आईडी भी लिखा हुआ, ठीक है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे जो अनलॉक iOS स्क्रीन है इसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे आप अपने डेटा केबल को अपने फोन के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दोगे। एंड आफ्टर दैट आपको स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, एंड अब आपको यहाँ पे जो भी आपका स्मार्टफोन है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आईफोन है, एंड यहाँ पे आईफोन 8 एंड अबव, आईफोन 7 एंड 7 प्लस एंड अदर मॉडल्स के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो भी स्टेप बताए जा रहे हैं उसे आपको वन बाय वन यहाँ पे अप्लाई करना है। पहला क्या है कि आपको यहाँ पे डेटा केबल को इस तरह से लगा देना है। सेकेंड में आपको प्रेस द पावर बटन एंड होम बटन कंटिन्यूअसली ऑन द सेम टाइम फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 सेकेंड, यहाँ पे आपको इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये काम नहीं करेगा तो सिंपली आपको रिकवरी मोड वाला जो ऑप्शन है वो भी आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो पहले क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको यूएसबी केबल को यहां पे लगा देना है, एंड आपको यहां पे इस हैंडसेट को आपको टर्न ऑफ कर देना है, ठीक है। अब यहां पे इसे टर्न ऑफ करने के लिए आप इसके पावर बटन को यूज करेंगे एंड इस फोन को यहां पे टर्न ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद आपको अपने हैंडसेट के रिकवरी मोड में जाने के लिए क्या करना है कि यहां पे पावर बटन एंड यहां पे जो होम बटन है दोनों को एक साथ इस तरह से प्रेस करना है। एंड जब आपको यहां पे कोई भी चीज साथ में दिखेगी, जैसे आपको लोगो दिखेगा, आपको यहां पे जो है जब तक कि आपके फोन में यहां पे कनेक्ट टू iTunes स्टोर और कंप्यूटर ना आ जाए, ठीक है, जैसे आपको दिखेगा आप यहां से सारे बटन्स को यहां पे छोड़ देंगे, ठीक है। देख रहे हैं इस तरह से आपको प्रेस एंड होल्ड करना है। अब आपको यहां से छोड़ कुछ ऑप्शन यहां पे करने हैं। अब जो अगला स्टेप लेना है वो आपको सिंपली आगे जाना है, एंड यहां पे देख सकते हैं आपके फोन का जो मॉडल है वो यहां पे चलाएगा कि आपके पास कौन सा आईफोन है,
यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये जो स्मार्टफोन है ये 6S है जैसा कि आपने देखा। एंड यहाँ पे इसका जो मॉडल है वो भी आ गया, एंड यहाँ पे जो इसका आपका सॉफ्टवेयर वर्जन है वो भी आ गया। अब आपको सिंपली इसे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है एंड अब आपका जो है फर्मवेयर पैकेज वो यहाँ पे कंप्यूटर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो आपका यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे फर्मवेयर डाउनलोड हो चुका है सक्सेसफुली, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं यूजिंग मैक फोन, यहाँ पे जो आपको नोटिफिकेशन है ये कह रहा है कि आपका ऑल डिवाइस आपका इरेज हो जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर भी आपको कंटिन्यू करना है, यस पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपका जो फोन है वो आप देख सकते हैं अनजिपिंग द फर्मवेयर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं अनलॉकिंग द पासकोड भी यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। एंड अब आपका फोन जो है वो यहाँ पे अनलॉक होना स्टार्ट हो रहा है। आप फोन में भी देख सकते हैं आपका फोन यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो रहा है एंड अनलॉकिंग द पासवर्ड का जो मैसेज है वो आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। तो अब यहाँ मोबाइल पर देखो आपका जो फ़ोन है वो यहाँ पे रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो चुका है एंड कुछ ही सेकंडों में ये आपका जो फ़ोन है वो यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। तभी आपका जो फ़ोन है वो यहाँ पे अनलॉक होगा। उसके लिए आपको सिंपली इस तरह से जाना है और अपने फ़ोन को सेटअप आपको कर लेना है, ठीक है। इसे आपको सबको कॉन्फ़िगरेशन करते जाना है एंड यहां से आपको कंटिन्यू करते हुए आगे चले जाना है। एंड यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों आपका आईफोन यहां पे कंप्लीट अनलॉक हो गया। अब बात करते हैं इस वेबसाइट की, तो मैं यहां पे इसके वेबसाइट को ओपन कर देता हूं जहां पे क्लियरली आप देख सकते हो ये जो हैंडसेट है इसे यदि आप यहां पे बाय नाउ करना चाहोगे तो यहां पे अभी ऑफर भी चल रहा है जहां पे आप इसे 30% ऑफ में परचेज कर सकते हो। जहां पे आप इसे 1 ईयर का जो लाइसेंस है उसे आप ओनली $39.95 में खरीद सकते हो, जहां पे ये 5 डिवाइसेस 1 मैक को सपोर्ट करेगा एंड यहां पे 30 डेज का मनी बैक गारंटी भी आपको देखने को मिलता है। एंड जो मोस्ट पॉपुलर का जो यहां पे है प्लान वो वन मंथ का लाइसेंस है जहां पे ये ओनली $24.95 में ये मिल जाता है एंड ये आपको 5 डेज के मनी बैक गारंटी के साथ आता है और यहाँ पे आपको 30% का ऑफ भी देखने को मिल जाता है। सेकंड आपका है लाइफ टाइम लाइसेंस जो यहाँ पे 1 टाइम परचेज है एंड ये ओनली आपको $55.95 में मिलता है और यहाँ पे ये आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी आपको देती है जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो। इसका परचेज लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में और आपको हमारे पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट करके इसे डाउनलोड कर सकते हो एंड इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिर आपको अपने आईफोन को, किसी भी आईफोन को, आईपॉड को, आईपैड को आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।